Hi friends, how are you all? I hope you are doing fine. Today we are going to understand the class 8 science chapter 8. The name of the chapter is Cell Structure and Functions. In this we are going to understand about the cells. It is clear from the topic's name of the topic of this chapter. Okay, so let's move forward and understand this chapter in detail. So friends, what is happening that all the plants and the animal is made up of small units called cell. If I take the examples, कोई भी substances जो है वो एक छोटी छोटी units से बनते हैं. If I talk about the rod, अगर मैं rod की बात करूँ तब तो ये देखिए, जब ये क्या है, एक छोटी छोटी unit मिलके एक rod की shapes क्या होती है, इस तरीके से shape होती है rod की. ठीक है, clear all of you. अब इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट होते हैं. एक छोटे छोटे पार्ट एक यूनिट से बन के हमारा बना है रॉड. रॉड ये क्या बना, हमारा एक रॉड. अब ये एक बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, रॉड कहते हैं इसे हम लोग. तो क्या है ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसे हम लोग एटम कहते हैं. ये क्या है, ये सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको एटम करते हैं. इफ आई टॉक अबाउट द लिविंग बीइंग्स, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनकी बात करें तो वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बने हैं जिसका नाम है सेल. सो इट्स क्लियर फ्रॉम दैट दैट द ऑल प्लांट्स एंड एनिमल इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल, एंड द सेल इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्लियर ऑल ऑफ यू? I hope you all are clear from that. So now understand what is cell. What is cell? Hope you all are know about the cell. Hope you are familiar with this term cell. And we are going to understand this cell discovery in forward. तो चलिए अब हम लोग देखते हैं cell किसे कहते हैं. ठीक है, just like example में हाउस, हाउस की वो तो वो क्या है, हाउस इज हाउस क्या है, वो एक ब्रिक से बने हुए हैं. तो वो क्या है, हमारे बिल्डिंग को, वो हमारे बिल्डिंग का ब्लॉक है. तो हम लोग क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं ना. उसी तरीके से सेल को भी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है. क्लियर ऑफ यू? ना क्लियर है तो इसी को हम लोग सेल कहते हैं. अब सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, डिस्कवरी जान जाएंगे तो सेल और अच्छे से जान जाएंगे. ये हम लोग यहाँ पे लिखे रहते हैं डिस्कवरीज ऑफ सेल, मतलब कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने डिस्कवर किया और किस तरीके से, सारी चीज़ें के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे. ओके, सो एक एक पर्सन है, द नेम, एक जो है एक पर्सन है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है रॉबर्ट हुक. ठीक है, रॉबर्ट हुक था. ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू? अब देखिए, अब क्या होता है, अब क्या होता है, इन्होंने रॉबर्ट हुक ने एक ट्री की बार्क ली. बार्क क्या है, पार्ट ऑफ ट्री. बार्क क्या है, पार्ट ऑफ ट्री. मैं यहाँ पे डॉट लिया, पार्ट ऑफ ट्री. ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं बार्क. तो क्या होता है, रॉबर्ट हुक ने कभी, मतलब कि अपना लिया, बार्क लिया हुआ था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से उन्होंने उस बार को देखा. तो वो जो है वो हैरान हो गया और उन्होंने देखा कि जो बार है वो एक बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट से बना हुआ है. क्या, इस तरीके से, इस तरीके से एक बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट से बना हुआ, इस तरीके से एक बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट से बना है, जैसे कि कोई हनीकॉम्ब है. मतलब हनीकॉम्ब मतलब कोई हनी का छत्ता, मतलब कि छत्ता होता है ना, उसी को कह रहे हैं. ठीक है, ये बना हुआ है. अब क्या होता है, बार्क से बना हुआ है. तो उन्होंने उस स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहा, टर्म एज सेल. उन्होंने इसे सेल कहा, उन्होंने उसका नाम क्या रखा, सेल. और फिर उन्होंने उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं की थी, उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी. डेड सेल, लेकिन डेड सेल की डिस्कवरी की भाई, अगर कोई अंदर से पूछे सेल की डिस्कवरी कौन की, रॉबर्ट हुक ने. अब रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की कि लिविंग सेल की डिस्कवरी की, तो आप कहोगे डेड सेल की. लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने बताया रॉबर्ट
लिविंग सेल की डिस्कवरी की, फिर डेड सेल, सारी चीज़ों की डिस्कवरी की, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप की हेल्प से बनाया। तो सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप मतलब कि उस टाइम जो माइक्रोस्कोप था वो अच्छा नहीं था, तो क्या हुआ जैसे आगे आगे इन्वेंशन होती रही, अच्छे माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट हुई। फिर क्या हुई, अच्छे माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट हुई। जैसे माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट हुई तो और हम लोग ने और अच्छे से जाना। फिर देखिए इन्होंने क्या किया था, सिर्फ सेल के बारे में जाना था, लेकिन उन्होंने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट और नहीं दिखला पा रहा था, उससे भी स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं दिखला रहा था। तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप और अच्छे होने लगे, सेल्स के भी और पार्ट निकलने लगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये है सेल, तो उन्होंने देखा न्यूक्लियस था यहाँ पे, फिर ये जो इसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिए ये है हमारा एक सिंपल सेल का स्ट्रक्चर, ये क्या है सिंपल सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखते हैं इन सब के नाम हम लोग देखते हैं कि किसे हम लोग क्या कहते हैं। अब देखिए ये जो बीच जो हम इसे कहते हैं सेंटर में जो स्फेरिकल टाइप है, इसे हम लोग कंसीडर करते हैं न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस। और ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के साइड से ही में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है साइटोप्लाज्म, इसे हम लोग क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो आउटर कवरिंग है, ये आपको जो दिख रहा है जो इस सेल का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इस सेल आउटर कवरिंग को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखिए ये है, अब जैसे हम लोग मूव करेंगे फॉरवर्ड, अब जैसे जैसे हम लोग फॉरवर्ड मूव करेंगे हम इन सारे के फंक्शंस को देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन को अलग से देखेंगे, न्यूक्लियस को अलग से देखेंगे और साइटोप्लाज्म को अलग से देखेंगे। तीनों को हम लोग आड़े सारे अपने आराम आराम से फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। और ये जो चैप्टर है ये पार्ट टू पार्ट में मैं इस चैप्टर को करूँगी, ये है पार्ट वन, मतलब कि आगे भी मैं आपको आगे की भी चैप्टर्स मतलब कि मैं आपको पार्ट थ्री भी हो सकती है अगर ज़्यादा बड़े चैप्टर होंगे और अच्छे से मुझे आपको समझाऊंगी पूरा मतलब समरी कंसेप्ट मैप ये सारे लेके, फोर वीडियो तो आराम से सेल्स के लग जाएंगे, ठीक है, फोर वीडियो सेल्स के आराम से लग जाएंगे, ठीक है, क्लियर ऑफ यू। अब हम लोग देखते हैं और आगे, अब हम लोग चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे। देखिए अब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कौन की, ठीक है भाई, सेल की डिस्कवरी की है रॉबर्ट हुक ने, लेकिन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कौन की, सेल्स किसके द्वारा डिस्कवर हुआ, माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही ना वो डिस्कवर हुआ, तो हम लोग को ये भी पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप उन्होंने किसने इन्वेंट किया। सो माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया, माइक्रोस्कोप को देखी थोड़े थोड़े जो पार्ट से इसकी ओवरव्यू हम लोग ने इस सेल में देखी, इस चैप्टर में हम लोग ने देखी। अब देखिए आगे मूव करते हैं हम लोग फॉरवर्ड, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स अब हम लोग को देखना क्या है, सेल्स हैव थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल एंड मेटाबॉलिक मशीनरी। कह रहा है कि सेल के पास जो है वो थ्री बेसिक एक्टिविटीज होते हैं, तो सेल्स सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सेल्स के पास जो तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नाम को कहे कहने को लिए तो हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज जेनेटिक मटेरियल एंड थर्ड इज मेटाबॉलिक मशीनरी, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, ये है हमारे
कैरेक्टरिस्टिक सेल्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग को मूव करना है फॉरवर्ड। अब हम लोग बात करेंगे सेल्स के शेप और सेल के साइज के बारे में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग सेल शेप एंड साइज। ये देखिए सेल्स के शेप और सेल के साइज किस चीज पे बेस्ड होते हैं। ये बेस्ड होते हैं फंक्शंस दैट इट परफॉर्म। ये किस पे बेस्ड होते हैं? फंक्शन पे। ठीक है, मतलब कि कोई सेल कैसा फंक्शन कर रहा है उसी पे सेल्स की सारी शेप साइजेस बेस्ड होती है। जैसा सेल अपना फंक्शन करेगा, जैसा अच्छा फंक्शन करेगा अच्छे साइज मिलेंगे, अच्छे शेप्स मिलेंगे। उसके फंक्शंस के आधार पे सेल्स को शेप और साइज दिया गया है। ठीक है, क्लियर है आप लोग? ना क्लियर है? अब हम लोग कुछ शेप्स देखें, साइज देखें, इसके फंक्शंस देखें कि फंक्शंस पे शेप और साइज बेस्ड होते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं शेप और सेल मतलब कि शेप कैसा होगा सेल का। कोई कह दिया एग्जांपल दे दो सेल का शेप का तो याद होगे भाई। पहला जो है वो है स्पिंडल शेप। क्या है स्पिंडल शेप? मैं इसे लिख लेती हूँ स्पिंडल। ठीक है, क्लियर ऑफ यू? पहला है स्पिंडल। अब मैं इसे सारे लिख लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने सारे शेप सेल के लिख दिए हैं, कॉमन शेप सेल के मैंने लिखे हैं। तो जो पहला है वो है स्पिंडल शेप, सेकंड फ्लैट, थर्ड ओवल, फोर्थ इररेगुलर, फिफ्थ डिस्क लाइक, सिक्स राउंड, सेवन सिलेंड्रिकल, एट क्यूब लाइक एंड द नाइन इलोंगेटेड। तो ये सारे क्या है? ये है सेल के शेप्स। कॉमन मतलब कि ये नहीं कि यही ही होंगे, ये हमारे निश्चित नहीं है, मतलब कि इन सब में आ सकते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने कुछ बेसिक दिया है। ठीक है, ये अब हम लोग ने देखा है। अब हम लोग को देखना है सेल्स विथ वेरिएबल शेप्स। तो चलिए अब हमें उसे देखना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने देखना है हम लोग को सेल्स विद वेरिएबल शेप्स। ठीक है, सेल्स विद वेरिएबल शेप्स। तो कुछ कुछ जो सेल्स होते हैं उनकी फिक्स शेप नहीं, सेल साइज नहीं होती कि ये जो है इस साइज के हैं तो ये इसी साइज के रहेंगे, ये सेल चेंज नहीं कर पाएंगे। कुछ सेल जो होते हैं वो इस शेप को कई शेप पे चेंज कर सकते हैं। वो चाहे तो ऐसे भी बन सकते हैं, क्या करेगा इसको फेंक
देगा, रिपेल्स इट, रिपेल्स आउट, क्या कर देगा वो, फेंक देगा अमीबा अपना जो लिया था वो फेंक देगा और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को लेकर ले लेगा। तो फिर वो ये बचा क्या, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। अगर हमारे अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स सारे चीज ले लिए जाए तो वी आर नॉट देयर, हम लोग सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गए अब हम लोग को। अब हमारे मसल्स में कौन से, हमारे मसल्स में कौन से सेल होते हैं, हमारे हमारे ठीक है, तो ये कौन से शेप होते हैं। अगर मैं बात करूँ स्पाइनल शेप की, स्पाइनल शेप्ड सेल, तो ये स्पाइनल शेप कहाँ पाए जाएंगे, ये स्मूथ मसल के फाइबर में ये पाए जाएंगे, स्मूथ मसल फाइबर। ये आप समझ रहे हो ना कि स्पिंडल शेप का जो सेल होगा वो कहाँ पाया जाएगा, वो आपको स्मूथ मसल के फाइबर में पाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे का, तो ये डिसलाइक शेप, ठीक है, तो डिसलाइक शेप कौन से सेल का डिसलाइक शेप होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ छोटा, ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू। तो स्पाइनल शेप का जो सेल होता है वो हमें स्मूथ मसल फाइबर में मिलेगा, डिसलाइक शेप का जो सेल होता है वो हमें आरबीसी में मिलेगा। द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स। अब स्पाइनल शेप कैसा होता है, ये आपका है स्पाइनल शेप, इस तरीके का स्पाइनल शेप्ड होता है, यहाँ पे मैं आपको फैला दी, ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू। अब हम लोग मूव करते हैं फॉरवर्ड पे, देखिए दो एग्जांपल अभी के लिए, दो और एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रांच नर्व सेल, फ्लैट सेल, स्किन। ब्रांच जो सेल, नर्व सेल, नर्व में, यहाँ पे नर्व सेल में, नर्व में क्या होता है, नर्व सेल में क्या होता है, जो सेल होती है वो ब्रांच होती है, ऐसे ऐसे होती है, नर्व सेल कुछ इस तरीके से दिखते हैं। यहाँ पे आपको वेल लेबल डायग्राम्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, नर्व सेल्स के पिक्चर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, ब्रांच जो सेल होते हैं वो नर्व सेल में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्लैट सेल की, तो वो कहाँ पाए जाएगी, हमारे स्किन पे पाए जाएगी। जैसे हमारा जो स्किन है ये क्या है, ये देखिए मेरे स्किन, देखिए ये स्किन क्या है, ये फ्लैट है, तो किसके कारण, ड्यू टू द सेल शेप, सेल्स की जो शेप है वो फ्लैट है, इसी के कारण हमारा स्किन भी फ्लैट है, ये दिख रहा है, ये हमारी स्किन क्या है, फ्लैट है। ठीक है, इसके कारण यही रीजन है, क्योंकि हमारे स्किन में जो सेल है उसका शेप जो है वो फ्लैट है, सो द स्किन, सो हमारे स्किन का भी जो शेप है वो है फ्लैट। क्लियर ऑल ऑफ यू, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग को बात करने हैं सेल्स की साइज के बारे में, तो चलिए अब हम लोग वो देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग को देखना है सेल्स की साइज के बारे में। देखिए सेल्स की साइज, सेल्स की शेप बेस्ड होती है फंक्शंस दैट दे परफॉर्म, जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं वही बेस्ड होती है, ये तो आपको कब से पता है। ठीक है, तो सेल्स की साइज, सेल्स की शेप बेस्ड ऑन द फंक्शन दैट दे परफॉर्म। अब एनिमल में और मैन में सबसे स्मॉलेस्ट सेल और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो एनिमल में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा नाम याद रखेंगे आप। इसकी जो साइज है वो कितनी होती है, 0.1 माइक्रोन। ओह माय गॉड, इतनी छोटी आपके नेकेड आई से दिखने वाली नहीं है, कभी नहीं दिखेगी, नेवर। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखेगी। ठीक है, अब देखिए ये एनिमल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होती है, जो कि है 0.1 माइक्रोन। अब हम लोग लार्जेस्ट सेल की बात करें,
तो लार्जेस्ट सेल एनिमल में याद रखेंगे। पोए पूछ दिया मैन में लार्जेस्ट सेल क्या दो ऑस्ट्रिच नो फेयर ये गलत हो जाएगा। लार्जेस्ट सेल अगर मैं एनिमल में बात करूँ तो वो है ऑस्ट्रिच की एग जो कि है 17 सेंटीमीटर डायमीटर। उनकी जो डायमीटर है ऑस्ट्रिच की जो एग की जो डायमीटर वो 17 सेंटीमीटर है। सोचो इफ आई टेक दिस इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच और इसे हम लोग रेडियस कहते हैं ना ठीक है और इस इतना जो है वो है 17 सेंटीमीटर इसका डायमीटर 17 सेंटीमीटर जो ये एग की इतनी वाली इतनी जो लाइन ये जो मैंने इतने यहाँ से यहाँ दूरी जो है वो 17 सेंटीमीटर की है। अब हम लोग बात करेंगे मैन की तो मैन में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है आरबीसी द रेड ब्लड सेल्स और इसकी डायमीटर होती है 9 × 10⁻⁶ मीटर ठीक है। ये होती है आरबीसी की डायमीटर इतनी नहीं 9 को गुणा करोगे 10⁻⁶ से उतनी डायमीटर होगी इसकी ठीक है। क्या अभी इतना क्लियर है। अब करते हैं फॉरवर्ड लॉन्गेस्ट सेल मैन में सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है नर्व सेल। नर्व सेल में 100 से ज्यादा माइक्रोन पाए जाते हैं नर्व सेल में याद रखेंगे आप लोग ठीक है। तो अब हम लोग को मूव करना है फॉरवर्ड अब हम लोग को पढ़ना है सेल्स नंबर। सो अब हम लोग मूव करते हैं फॉरवर्ड फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करें सेल नंबर की मतलब कि ऑर्गेनिज्म को हम लोग सेल्स नंबर के बेस्ड पे डिवाइड कैटेगरी में रखते हैं मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म में कितना सेल है तो हम लोग क्या करेंगे सेल्स के नंबर पे ऑर्गेनिज्म को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेकंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ठीक है। ये आप क्लास 7 में भी पढ़ोगे 6 में भी पढ़ोगे 5 में पढ़ोगे ये बेसिक है ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। यूनि मीन्स यूनि मीन्स होता है वन ठीक है। यूनि मीन्स क्या होता है वन सेल ठीक है। ओके फ्रेंड्स तो यूनि मीन्स होता है सेल और सेलुलर वन सेल ऑर्गेनिज्म वन सेल के ऑर्गेनिज्म सेकंड ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मोर होता है मोर देन वन ठीक है। क्लियर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल नॉन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल नॉन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग मूव करेंगे फॉरवर्ड जो कि है सेल स्ट्रक्चर पे। बहुत देर से हम लोग सेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे थे इसलिए नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि हम लोग को सेल्स की फंक्शंस देखनी होगी ना शेप साइज देखनी होगी उसके बाद सेल्स के स्ट्रक्चर जानेंगे फिर सेल्स के स्ट्रक्चर जानने के बाद सब एक एक चीज को पूरे अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं सेल स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स अब हम लोग को देखने हैं सेल्स स्ट्रक्चर। तो सेल्स के स्ट्रक्चर देखें तो सेल्स हैव टू पार्ट्स। सेल्स के हम लोग कैटेगरीज करते हैं दो पार्ट्स में पहला जो है वो है सेल मेम्ब्रेन और दूसरा है प्रोटोप्लास्ट। समझ सकती हूँ क्या समझ सकती हूँ दैट कि प्रोटोप्लाज्म आप लोग को समझ में नहीं आया होगा आप पहली बार सुन रहे होंगे क्योंकि क्लास 7 में प्रोटोप्लाज्म का वर्ड यूज ही नहीं हुआ है 6 में भी नहीं हुआ होगा प्रोटोप्लाज्म में अभी तक नहीं यूज हुआ होगा ठीक है। तो हम लोग को यहाँ प्रोटोप्लाज्म के बारे में ही पढ़ना है ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो प्रोटोप्लाज्म अच्छा आप सोच रहे होंगे प्रोटोप्लाज्म यहाँ है सेल्स का पार्ट है तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कहाँ आ गया वो भी तो है सेल्स का पार्ट। देखो देखो बच्चे घर पर घबराओ नहीं पहले आगे मूव करेंगे फिर धीरे धीरे सारी चीजों के बारे में आपको मिल जाएगी जानकारी। यही ना आप देखते हो यही ना आप कहते हो तो ये है हमारा रियल स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेल्स। आप यही सोच रहे होंगे कि ये अब ऐसा कैसे हो सकता है प्रोटोप्लाज्म में क्या
कैसे बन सकता है? देखिए पूरे हम समझेंगे। सेल्स हैव टू टाइप्स, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हैव टू टाइप्स, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। चलो अब समझ में आ गया होगा। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल ऑफ सेल्स, सेल्स की जो लिविंग मटेरियल है उसे कहते हैं। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को लिविंग मटेरियल सेल का कहा जाता है ना, तो इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम लोग ने प्रोटोप्लाज्म की कैटेगरी में रख दिया है। ठीक है, इतना ये जो मैंने आप लोग को लिखा है ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे चीजों के पूरे डिटेल में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो होगा सेल स्ट्रक्चर ही का। सेल स्ट्रक्चर का क्या होगा, इसलिए हम लोग को सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को समझेंगे, फिर साइटोप्लाज्म की, फिर न्यूक्लियस की सारी चीजों, हम लोग सेल स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे हम लोग ने इस चैप्टर में हम लोग ने क्या किया, कुछ नहीं किया। इस चैप्टर में हम लोग ने बस इस चैप्टर के ओवरव्यू को देखा है। दूसरे पार्ट से हम लोग को देखना है डिटेल में, सेल स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे, सारे फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के हम लोग को देखना है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल टू ऑल योर फ्रेंड्स, दैट योर फ्रेंड्स आल्सो एंजॉय माय चैनल। आपको नोट्स चाहिए हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट। ओके फ्रेंड्स, सो इफ यू वांट्स द नोट्स कमेंट, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। आप मुझे कमेंट कर देना है। तब कब कमेंट करना है? जब मैं भूल जाऊंगी आपको देना। ठीक है, आपको क्या देना? नोट्स देना। मैं आपको नोट्स को लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर डिस्क्रिप्शन में रहेगी तो नहीं रहेगी तो कमेंट में, नहीं रहेगी तो डिस्क्रिप्शन में। अगर इन दोनों में नहीं रहेगी चेक कर लोगे तब ये रूल फॉलो करना है, कमेंट वाला रूल फॉलो करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके भी फ्रेंड्स जो है वो इस चैनल को देख सके, उन्हें भी नॉलेज हो सके। ओके, सो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, विल मीट टू द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारा सेल का ही होगा, सेल स्ट्रक्चर को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। सो बाय।